आप कैंपस डॉट पी के में काम कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स के हवाले से आप नाजरीन को बताएं। अभी रिसेंटली हम एक बहुत बड़ी जो है एक लेयर देख चुके हैं कोविड 19 के हवाले से इस सिनेरियो में अब इतने दिन इतनी ड्यूरेशन तक हम अपने स्टूडेंट्स को डिसकनेक्ट नहीं कर सकते एजुकेशन से तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये हम कह सकते हैं कि दो स्टेप पर स्टूडेंट्स को क्या करता है एजुकेशन प्रोवाइड करता है कैम्पस डॉट पी के दो तरह से स्टूडेंट्स को इंटरटेन कर रहे हैं एक तो ये कि वो लाइव लेक्चर्स दे रहा है स्पेसिफिक टाइम पे स्कीजल है इसके साथ साथ वही लेक्चर्स इवन उसके अलावा भी बहुत से लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मटेरियल फॉर्म में मौजूद है और इसमें एक और बड़ा बेनिफिट है कैम्पस डॉट पी के का uh, हम स्टूडेंट्स को मैसेंजर की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और वो मैसेंजर की ऑप्शन बेसिकली है क्या कि अगर लेट सपोज मैंने एक क्लास मिस कर दी है स्टूडेंट ने एक क्लास मिस कर दी है अगर वो रिकॉर्डेड मटेरियल बाद में सुनता है तो वो मटेरियल सुनने के बाद अगर उसको कहीं लगता है कि यार कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई पॉइंट नहीं मैं अंडरस्टैंड कर पाया तो ट्वेंटी फोर बाई सेवन किसी वक्त भी वो किसी भी टीचर को मैसेज करके पूछ सकते हैं अल्लाम नाजरीन मैं हूं अली रहमान खालिद और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हमें बताएंगी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप कैंपस डॉट पी के पे हेड ऑफ़ एकेडेमिक्स हैं इसके अलावा आप लम्ब से क्वालिफ़ाइड हैं आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स और चैलेंजेस को कैसे देखते हैं और उन पे अपनी राय का कैसे इज़हार करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया फरहान यूसफ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आप कैम्पस डॉट पी के में काम कर रहे हैं और ऑनलाइन एजुकेशन पर आप बहुत एम्फोसिस करते हैं तो इसके बेनिफिट्स के हवाले से आप नाजरीन को बताएं कि वो कौन कौन सी डोमेन है जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन बेनिफिट दे रही है सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे जो है आपने कि मौका दिया है कि मैं अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकूं स्टूडेंट्स uh, के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकूं कि ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली है क्या uh, जहाँ तक एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात है या ऑनलाइन एजुकेशन की बात है तो अभी रिसेंटली हम एक बहुत बड़ी जो है एक लेयर देख चुके हैं कोविड 19 के हवाले से और उसमें हमने देखा कि कितने चैलेंजेस हमने फेस किए हैं इस हवाले से और स्पेसिफिकली हमारा जो फिज़िकल जितना भी सिस्टम था एजुकेशन का वो सब ब्लॉक हो गया ऐसे ही तो इस सिनेरियो में अब इतने दिन इतनी ड्यूरेशन तक हम अपने स्टूडेंट्स को डिसकनेक्ट नहीं कर सकते एजुकेशन से हुँ, हुँ. और अगर डिसकनेक्ट करेंगे जाहिर सी बात है फिर वो बहुत बड़े चैलेंजेस लेकर आएगा हमारे लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये हम कह सकते हैं कि डोर स्टेप पे स्टूडेंट्स को क्या करता है एजुकेशन प्रोवाइड करता हुँ. है और ना सिर्फ ये कि जो है डोर स्टेप पे एजुकेशन प्रोवाइड करता है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता हुँ. है हम हुँ. देखते हैं कि हमारे पास जो टीचर्स आते हैं जिस तरीके से हम सिस्टम को रन कर रहे होते हैं प्रॉपर जो है हमारी क्लासेस उनकी जो है स्पेसिफिक टाइमिंग ठीक है उस दौरान हम लाइव लेक्चर्स डिलीवर करते हैं सो so, हम कंप्लीट तो नहीं कह सकते लेकिन सम हाउ हम नियर टू या नियर अबाउट जो है फिज़िकल एजुकेशन तक पहुंचते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू और स्टूडेंट्स को जो है हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं उनके सब्जेक्ट्स के हवाले से और उनको जो है हम कंप्लीट गाइडेंस देते हैं उनकी लाइफ के हवाले से मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें अवेलेबिलिटी का इशू होता है बाजू टीचर अवेलेबल नहीं होता और कभी कभी स्टूडेंट्स भी अवेलेबल नहीं होते उनका आपस में एक टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही होती तो क्या आपका जो कैंपस. डॉट पी के है इसमें कोई ऐसी सर्विस कोई ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे उनका ये इशू रिजॉल्व हो सके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन अगर हम कैंपस. डॉट पी के की बात करते हैं तो कैंपस डॉट पी के दो तरह से स्टूडेंट्स को इंटरटेन कर रहे हैं एक तो ये कि वो लाइव लेक्चर्स दे रहा है स्पेसिफिक टाइम पे स्केजल है और उस दौरान तो जो है स्टूडेंट्स लाइव हमारे साथ होते हैं इंटरेक्टिव सेशन होता है टीचर जो है वो पढ़ा रहा होता है एक सब्जेक्ट को इसके साथ साथ वही लेक्चर्स इवन उसके अलावा भी बहुत से लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मटीरियल फॉर्म में मौजूद है यानी कि अगर लेट सपोज किसी स्टूडेंट की टाइम अवेलेबिलिटी का इशू है कि वो स्पेसिफिक टाइम पर नहीं आ पाया क्लास ज्वाइन नहीं कर सका तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो क्लास नहीं ले पाएगा या वो टॉपिक नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा हमने जितने भी लेक्चर्स डिलीवर किए हैं वो सारा के सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है वो स्टूडेंट्स को भी जो है एक्सेस हम दे देते हैं उसकी वो जिस टाइम समझता है कि उसके पास टाइम है वो रिलैक्स होकर हमसे समझ सकता है पढ़ सकता है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब सुन सकता है और इसमें एक और बड़ा बेनिफिट है कैम्पस डॉट पी के का वो ये है कि हम जो है ना अपने कैम्पस डॉट पी के की वेबसाइट के ऊपर यानी कि जो हमारा सिस्टम है उसमें हम स्टूडेंट्स को मैसेंजर की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और वो मैसेंजर की ऑप्शन बेसिकली है क्या कि अगर लेट्स सपोज वो मैंने एक क्लास मिस कर दी है स्टूडेंट ने एक क्लास मिस कर दी है अगर वो रिकॉर्डेड मटेरियल बाद में सुनता है तो वो मटेरियल सुनने के बाद अगर उसको कहीं लगता है कि यार कोई पॉइंट मिस हो गया या कोई पॉइंट नहीं मैं अंडरस्टैंड कर पाया बहुत से होते हैं साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत सी चीजें एकदम से क्लिक नहीं करती हैं आपको जो है टीचर्स से इंटरैक्ट करना पड़ता है उनसे पूछना पड़ता है कि ये जो टॉपिक था इसमें ये लाइन जो थी ऐसे क्यों नहीं हो सकती तो उसके लिए हमने उनको मैसेंजर की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि अगर जो है वो कोई रिकॉर्डेड मटेरियल सुनते हैं तो सुनने के बाद अगर कोई पॉइंट मज़ीद क्लेरिटी चाहिए है किसी पॉइंट के हवाले से तो ट्वेंटी फोर बाई सेवन किसी वक्त भी वो किसी भी टीचर को मैसेज करके पूछ सकते हैं तो अवेलेबिलिटी की जहाँ तक बात है ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने स्लॉट्स को मद्देनजर रखते हुए हमसे पढ़ सकते हैं इवन uh, कि मैं आपको बताऊँ कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी का बहुत इशू रहता है फिज़िकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर कि बाजाओत जो है टीचर एक अच्छा टीचर जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला टीचर जो है उसका टाइम स्लॉट नहीं फिट हो पा रहा होता लेकिन हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से है कि हम जो है उनकी मटेरियल uh, जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ले लेते हैं वो भी पढ़ा रहता है uh, जो है स्टूडेंट्स उसे एक्सेस कर सकते हैं और सबसे तो बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स को मल्टीपल आप कह लें कि या डिफरेंट टीचर्स की जो है आप कहने के चॉइस होती है अगर लेट सपोज किसी स्पेसिफिक टीचर से वो कोई पॉइंट नहीं समझ पाया तो उसी सब्जेक्ट के उसके पास चॉइस होगी टीचर्स की वो ए बी सी किसी भी टीचर से जो है ना वो पढ़ सकता है सुन सकता है क्योंकि हम जानते हैं ना कि भाई स्टूडेंट uh, जो है ना जब तक उसका माइंड माइंड टीचर के माइंडसेट से कम्पेटेबल नहीं होता वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता सो so, हो सकता है कि मैं अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं जिस एंगल से उसको पढ़ा रहा हूँ वो टीच स्टूडेंट जो हैं वो उस तरह से ग्रैप ना कर पाए सो so, नहीं बन पाया मेरा लिंक उससे डेवलप नहीं हो पाया तो वो मुझे स्किप करेगा किसी और टीचर की तरफ चला जाएगा वही टॉपिक उसको किसी और टीचर ने भी एक्सप्लेन किया होगा वो वहाँ से पढ़ लेगा तो एक बड़ी अच्छी जो है एक बात कह लें कि कैंपस डॉट पी की एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की वो ये होती है कि आपको चॉइसिस प्रोवाइड कर दी जाती हैं टीचर्स के हवाले हाँ से जो कि फ़िज़िकल में नहीं होता क्योंकि एक सेशन के लिए कंप्लीट सेशन के लिए एक सब्जेक्ट का टीचर हायर किया जाता है उसने पूरा सेशन पढ़ाना है अब किसी एक स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ भी रही है किसी सब्जेक्ट uh, के टीचर के साथ तो वो चेंज नहीं करवा सकता क्योंकि बाकी का भी जो है जाहिर सी बात है आ, एक इंस्टीट्यूट जो है वो बाकी के बेस पर भी जो है डिसाइड करता है डिसीजन लेता है टीचर्स की जो है चेंज करवाने के हवाले हाँ से सो तो यहाँ पर जो है हर एक स्टूडेंट को ये लिबर्टी है कि वो अपने मुताबिक टीचर को सेट कर सकता है सब्जेक्ट वाइज आपके ख्याल में क्या कैंपस डॉट पी के कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें जो आम हमारी ख़्वीन है उनको कोई बेनिफिट हो एग्जैक्टली exactly. uh, मतलब मैं ये आपसे कहूँगा कि कैंपस डॉट पी के या जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है इसके सबसे मेजर जो बेनिफिट या सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो एक यही है कि हम एक तो ये कि हम बहुत रूरल एरियाज़ तक अप्रोच कर पाते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू ऐसे एरियाज़ जहाँ पर आ, हम कहते हैं कि एक तो ये कि कंपनी इंस्टीट्यूशन का बनना या वहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है भी तो वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती सो so, यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर आप घर बैठे हुए क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं और तो पर इस फीमेल की जहाँ तक आपने बात की है बहुत चैलेंजेस हैं हमारे पास इस वक्त भी बहुत से चैलेंजेस हैं हमारा बच्चा जो है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में जो है इस वक्त मौजूद है लेकिन फिर भी बहुत से पेरेंट्स का ये होता है बहुत से इलाकों में ऐसा है कि वो जो है अपने जो है फीमेल्स स्पेसिफिकली पेटियाँ वगैरह हैं ठीक है उनको फिजिकल किसी भी इंस्टीट्यूट में एक स्पेसिफिक लेवल के बाद भेजने नहीं चाहते अवॉइड करते हैं घर से निकलने नहीं, नहीं देते सो so फिर वो क्या होता है कि अल्टीमेट फिर ये होता है कि जो उनके ख्वाब हैं फीमेल के जो जो है ख्वाब हैं वो दूर रह जाते हैं वो अपनी तालीम को मजीद जो है कैरी नहीं कर पाते या जो है अपनी तालीम को आगे नहीं बढ़ा पाते तो ऑनलाइन और एजुकेशन जो हम दे रहे हैं इस पर कैंपस डॉट पी के दे रहा है आ, फीमेल के लिए इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो घर बैठ के अपने पेरेंट्स की नज़रों में रहते हुए क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हासिल कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ अगर इवन के ये भी देखा जाए कि चले किसी स्टूडेंट को किसी फ़ीमेल को इजाज़त है कि वो बाहर जा सकती है लेकिन ये इशू होता है कि अब जो है अभी अगर किसी के इंस्टीट्यूट भेजना है तो उसके लिए कोई रक्षा लगवाना पड़ेगा भाई का होना बहुत ज़रूरी है कि वो उसे छोड़ कर आए तो उसका टाइम हो पाता है मैनेज के वो जो है छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा फिर वो रक्षे वाला ठीक है उसके जाहिर सी बात है अपनी प्राइस वग़ैरह जो कुछ भी है ठीक है सो ये बड़ी चीज़ जो है हम कैंपस डॉट बी के कहते हैं कि जिसने एक बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है हमारे तमाम लोगों को कि जो है घर बैठ के ना तो अब उनको कहीं मूव करने की ज़रूरत है यानी कि कोई रिक्शा या इस तरह की कॉस्ट उनको दरकार है ना भाई जो है उनकी डांट सुननी पड़ेगी अब जो है बहनों को कि भाई मैंने नहीं जाना तुम्हें जो है छोड़ने के लिए या मेरे पास टाइम नहीं है सो so इस तरह की कोई बात जो है अब सुनने को नहीं मिलेगी वो घर बैठ के वही एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हमसे हासिल कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है फीमेल सर मेरा आपसे यहाँ पे सवाल ये है कि जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं आप भी जानते हैं मैं भी कुछ से वाकिफ़ हूँ वहाँ एक चैलेंज ये भी है कि पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते पेरेंट्स समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन शायद नहीं मिल पाती नहीं। जिस तरह की एक फ़िज़िकल एजुकेशन सिस्टम में मिल पाती है तो कैंपस डॉट पी के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या कोशिश कर रहा है देखिए जहाँ तक पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन की बात है तो सेटिसफेक्शन तब डेवलप होती है कि जब जो है कोई एक इंस्टीट्यूट डायरेक्टली जो है इन टच रहता है पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स की रिपोर्ट शेयर करता है और ये बताता है कि स्टूडेंट जो है वो किस लेवल का पढ़ रहा है क्या वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा उसके रिज़ल्ट किस तरह के इम्प्रूवमेंट हैं या वही डिक्रीजमेंट है ग्रेड्स के अंदर ये तमाम चीज़ें मतलब कनेक्शन स्ट्रॉग होना बहुत ज़रूरी है एक पेरेंट्स का विद इंस्टीट्यूट तभी स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं वो सेटिसफाई होते हैं किसी के इंस्टीट्यूट के साथ और ऑनलाइन एजुकेशन में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से जो है स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको टिसफाई किया जाए क्योंकि हम एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत वर्चुअल एक इन्वायरमेंट के तहत जो है वह पर डे होते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते फिजिकली कनेक्ट नहीं है हम ठीक है लेकिन कैंपस डॉट पी के जो है इस तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है और वो इस तरह से है कि जो है हम अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर हर क्लास में पहली बात तो ये हर क्लास में हम हर एक लेक्चर है जो हमारा है ठीक है उसमें आफ्टर ऑफ लेक्चर पांच मिनट रखते हैं फॉर बेस्ड टेस्ट जो कुछ हमने पढ़ाया है उसके अंदर क्या होता है कि टेस्ट करने के लिए कि स्टूडेंट ने कितना अंडरस्टैंड किया है क्या कॉन्सेप्ट ग्रैप किया है या नहीं किया हम पांच एमसीक्यूज का उसी टॉपिक से रेलिवेंट टेस्ट ले लेते हैं hmm. uh, एक तो वो टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होती है फिर हम अटेंडेंस भी मार्क करते हैं हमारा सिस्टम इतना केपेबल है कि वो बताता है कि भी किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट ने किसी दिन जो है क्लास ली है या नहीं ली इवन के भी बताएगा कि किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट ने पांच क्लासेस तो चार ली हैं एक ली और कौन सी ले ली ये भी बताता है तो ये चीज उसके बाद फिर हम मंथली रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं मंथली टेस्ट जो है वो होते हैं इनकी मार्किंग होती है और उस मार्किंग के बाद हम रिपोर्ट्स जनरेट करके वो हम स्टूडेंट के पेरेंट्स तक थ्रू टेक्स्ट मैसेज जो है रिपोर्ट सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू रिपोर्ट सेंड करते हैं जिसमें ग्राफिकल वे भी होती है जिसमें कि स्टूडेंट के, के ग्रेड्स की इंकलानीशन डिक्लानीशन की तमाम चीज़ें बताई जाती हैं कि एक स्टूडेंट जो है किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं ना सिर्फ एस एम एस के थ्रू अलर्ट्स जाते हैं उनको बल्कि साथ ही साथ हमारी कंप्लीट एक सिस्टम मौजूद है बैक एंड पे कि हमारे पास जो है मेस पावर है कि जो कॉल करती है पेरेंट्स को और पूछती है कि भाई आपका स्टूडेंट जो है वो हमारे सिस्टम से सेटिसफाई है या नहीं है और वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है ठीक है अगर इवन के हम ये भी देखते हैं कि अगर लेट सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ uh, हो रहे हैं और वो बहुत मतवातर हैं कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो स्पेसिफिक टीचर को ये भी कहा जाता है कि जी आप स्टूडेंट uh, के पेरेंट्स से इवन स्टूडेंट से ख़ुद भी बात करें कि भाई क्या इशू उसको आ रहा है क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है क्यों समझ नहीं आ रही क्यों उसके मार्क्स जो हैं ग्रेजुअली डिक्रीज़ की तरफ जा रहे हैं और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही सो so, ये कनेक्शन हम जो बिल्ड करते हैं तो so, ये हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट सॉरी पेरेंट्स की जो सेटिसफेक्शन है वो चूँकि कनेक्शन के थ्रू डेवलप होती है कैंपस डॉट पी के इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए तमाम रिसोसेज रखता भी है कैपेबिलिटीज़ ता भी है और कनेक्शन डेवलप करता भी जिसके थ्रू सेटिस्फेक्शन है और वो सेटिस्फेक्शन हमारे जो सेशंस हैं उनकी स्ट्रेंथ ये डिपेंड करती है ये बताती है सर अभी आपने रिसेंटली कौन से कोर्सेज लॉन्च किए हैं कैम्पस डॉट पी के के प्लेटफॉर्म से उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारे नाजरन को तो ज़रूर बताइए हाँ जी एक तो ये कि हमारे रेगुलर कोर्सेज़ जो हैं वो चल ही रहे हैं जैसे कि मैट्रिक के हमारा जो है क्लासेस का सेशन चल रहा है इस वक्त इंटर की क्लासेस का जो है वो सेशन इस वक्त ऑन गोइंग है इसके अलावा अगर हम देखें तो हम जो हैं पी के जो थ्रू आने वाली डिफरेंट जॉब्स हैं उनके सेशंस रन कर रहे हैं इस पर जो ऑन गोइंग सेशन्स हमारे पास जैसे कि अभी लेक्चरशिप का आप जानते हैं कि जो है पी पी के थ्रू जॉब्स आई थी नहीं। नहीं। उनका सेशन चल रहा है इस पर कंटिन्यू है कुछ सब्जेक्ट्स का भी रहता है ठीक है और इसके साथ साथ हम जो है सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हुई हैं तहसीलदार नायब तहसीलदार की जॉब्स आई हुई हैं वो हम जो है इस पर सेशन लेके चल रहे हैं जिसमें कि हमारे पास बहुत अच्छे और क्वालिटी के जो हैं इंस्ट्रक्टर हैं पी ऑफिसर है जो कि जिनके अंडर हम जो है सारा काम कर रहे हैं जिसके थ्रू जो है हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि को किस तरीके से जो है टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यू कैसे अच्छा उनका हो सकता है और किस तरीके से जो है ना वो जॉब को इक्वेयर कर सकते हैं तो ये 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 ऑन गोइंग हमारे सेशनस हैं जो कि हम इस पर लेके चल रहे हैं बाकी जहाँ तक फ्यूचर की बात है फ्यूचर में जो है हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम टेस्ट सेशन लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो है कम्पलीट एकेडमिक से, से, सेशन यानी एकेडमिक कैलेंडर बनता है जैसे कि हम इस वक्त मैट्रिक या एफएससी की क्लासेस लेके चल रहे हैं तो हमारा कंप्लीट प्री प्लान होता है कि हमने कब तक जो है क्लोज करना उसके बाद कब से रिवीजन स्टार्ट होगी और उसके बाद उस रिवीजन के दौरान कितने टेस्ट होंगे किस किस सब्जेक्ट के किस स्पेसिफिक डे में टेस्ट होंगे ये तमाम एकेडमिक कैलेंडर हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर द होल ईयर इवन के उसके अंदर हम ये भी मैंशन करते हैं कि किस दिन क्या एक्स्ट्रा एक, एक्टिविटी या को करिकुलर एक्टिविटी होगी ये भी बता देते हैं स्टूडेंट्स को टेस्ट सेशन लॉन्च इंशाल्लाह हमने करना है वो दिसंबर में हम करेंगे आ, हमारा प्लान बन रहा है कि हम ओ लेवल ए लेवल की तरफ भी जो है वह जाएंगे इंशाल्लाह हमारा पी एम एस के हवाले से जो है पूरा प्लान है कि हमें उससे लॉन्च करना है सी एस एस के हवाले से जो है हमारा पूरा प्लान है कि हम जो है उस तरफ भी मूव करेंगे कैंपस डॉट पी के के थ्रू वो भी जो है हम इंशाल्लाह नियर फ्यूचर जो है उसको भी हम लॉन्च करेंगे ठीके. सर मेरा सवाल यह है कि कासिम अली शाह साहब से आप इंस्पायर भी हैं आप उनकी वीडियोस भी सुनते हैं उनके लेक्चर्स भी सुनते हैं तो आप उनके बारे में में क्या राय देना चाहेंगे कासिम अली शाह साहब जो हैं जाहिर सी बात है सोर्स ऑफ मोटिवेशन तमाम लोगों के लिए मतलब मैं कहूंगा कि हर जो है एज का जो हमारा स्टूडेंट है या जो भी बंदा है उसके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है और कासिम अली शाह साहब जो है मेरे टीचर भी हैं क्योंकि मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है मैंने हर एक टॉक जहाँ भी मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई बात उनकी जरूर कोट करता हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से इस जो है मतलब बहुत फास्ट दुनिया में Uh, जो है आपको कहीं ना कहीं जाकर मोटिवेशन चाहिए होती है और uh, वो मोटिवेशन जो है उसका ज़रिया uh, बहुत से लोग हैं नो डाउट बहुत से लोग हैं लेकिन उनमें वन ऑफ द बेस्ट कासिम अली शाह साहब हैं जिनको मैं मानता भी हूँ जिनको मैं सुनता भी हूँ और जिनकी बात uh, जो है मैं कोट करता हूँ और बड़ा प्राउडफुली जो है ये कहता हूँ कि मैं उनसे कहीं ना कहीं जाके लिंक ज़रूर हूँ बहुत बहुत शुक्रिया फरहान यूतफ़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का नाजरीन मुझे उम्मीद है कि जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और बिलखसूस कैम्पस डॉट पी के के बारे में तफसीत जानना चाहते हैं उनके लिए ये इंटरव्यू बहुत ही मुफ़ी साबित हुआ होगा बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़